लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। 42वां स्थापना दिवस है और 42वें स्थापना दिवस की आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम रहा है। हमने हमेशा ये सीखा है, चाहे हम किसी भी पहले किसी संगठन में काम करते होंगे, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में बाद में आए होंगे, हमेशा से हमने ये सीखा है अपने से बड़ों से कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, इस सिद्धांत पर हमारी पार्टी लगातार काम करती रही है। और देश की महान विभूतियों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, जिन्होंने राष्ट्रवाद को परम कर्तव्य मानते हुए भारत की राजनीति में एक ऐसे संगठन का ऐसे बीजारोपण किया जो आज पूरे भारत के लिए वट वृक्ष बन गया है। और न जाने कितने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को इस पार्टी के लिए समर्पित किया है। आज ये वट वृक्ष बना है तो निश्चित रूप से उसमें हम सब लोगों का तो योगदान है ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां इस संगठन के निर्माण में पूरी तरह से खप गई। आज जिनका हमने यहाँ पर सम्मान किया है, निश्चित रूप से उनको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर उन सभी को नमन करता हूं। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1951 में जनसंघ की स्थापना की। उस समय हमारे दल का चुनाव निशान, अभी आप नड्डा जी को सुन रहे होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन्होंने कहा था उस समय हमारा निशान दीपक था। और एक दल का चुनाव निशान जिसका एकमात्र लक्ष्य दीपक सामान्य मानव के जीवन को भी प्रकाशमान बनाना था, साथ ही जिस कश्मीर के लिए हजारों लोगों का बलिदान हो गया, हजारों लोगों की शहादत हो गई, और उस कश्मीर को भारत से अलग मानने के भी घोर खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने पहले दिन से देश के अंदर धारा 370 जो कश्मीर के अंदर थी उसको समाप्त करने के लिए उसका पहले दिन से विरोध किया था। जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने हेतु उन्होंने जोरदार नारा भी दिया था, जिसमें था कि एक निशान, एक देश में दो प्रधान और एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। आज हमें खुशी है, आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर के अंदर से वह ऐतिहासिक काम हुआ है, धारा 370 समाप्त हुई है, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना किसी न किसी रूप में योगदान दिया है, हजारों लोगों ने अपना कुर्बानी किए। मुखर्जी जी ने जो कहा था, आप जो भी काम करते हैं उसे पूरी गंभीरता के साथ लगन पूर्वक करें, उसे कभी भी आधा अधूरा नहीं करें। आप तब तक स्वयं को संतुष्ट न समझें जब तक आप अपना सर्वश्रेष्ठ न दे दें। अनुशासन और गतिशीलता की आदतों को विकसित करें और अपने दृढ़ विश्वास को टूटने न दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी एकात्म मानववाद जो हमारे सामने रखा, आखिर हम पार्टी में काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सबकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, एक पदाधिकारी के नाते है। आखिर हम पार्टी जो हमको मान सम्मान हर प्रकार से किसी न किसी रूप में पहचान देने का काम करती है, हम सबका भी लक्ष्य होना चाहिए कि पार्टी को निश्चित रूप से जो काम पार्टी हमें दे, पार्टी जिस दायित्व को भी दे, और सबसे बड़ा दायित्व होता है कार्यकर्ता का दायित्व। और हम देखते हैं अभी अभी हम लोग चुनाव पूरा हुआ है, उसमें हम सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारे सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद छोड़ गए,
कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, हमारी सेवा पहुंचनी चाहिए, हमारी पार्टी पहुंचनी चाहिए। उसको लेकर लगातार हम सबका काम जारी रहना चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम सब लोग स्मरण करते हैं कि उनके कारण से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, और उन्होंने बंबई के अधिवेशन में कहा था कि कोहरा हटेगा, बादल छटेगा और कमल खिलेगा। तो आज पूरे देश के अंदर कमल खिल रहा है, 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 राज्यों में कुल मिलाकर एनडीए शासित, एनडीए को मिलाकर 18 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 100 से अधिक राज्यसभा की सीटें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जो केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की आज सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो आप सबकी, हमारी सबकी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यहाँ शुरू से सिखाया जाता है कि अगर किसी काम पे लगाया गया है, पार्टी कोई दायित्व तो दे रही है, तो पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो हो सकता है उसको करना चाहिए, उसमें लगना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो सूत्र वाक्य है कि जिस काम में लगाया है उस काम को पूरा करना है, उस काम को पूरा कर रहे हैं। इसमें चाहे अपनी भी हानि हो जाए, अपना भी कभी बलिदान हो जाए, तो इतनी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपने अभी देखा होगा। तो मैं आप सबसे पुनः आप सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि हमारी नई सरकार का गठन हुआ है और हमने बहुत सारे संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पहली बार ये मिथक टूटा है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। ये मिथक टूटा है कि एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार इस पार्टी की सरकार। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी शुभकामनाओं से और इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर से मुख्य सेवक का काम दिया है। हमारा काम होगा पारदर्शिता से काम करना, हमारा काम होगा मितव्ययता से काम करना और विकल्प रही संकल्प को लेकर उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचाना। उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जिस संकल्प को हमने लिया है, मैंने 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक संकल्प लिया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश ये गंगा का प्रदेश है, ये देवभूमि है, धर्म अध्यात्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। प्रत्येक घर से हमारे यहां कोई ना कोई, कोई बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, कोई ना कोई किसी न किसी के परिवार से सीधे कहीं ना कहीं सेना से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी स्थान पर, चाहे कोई स्थान हो, सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारा राज्य दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, तो इस प्रदेश के अंदर धर्म, मजहब, पंथ, जाति, समुदाय सबसे अलग हमारे यहाँ का कानून बनना चाहिए। और हमने शुरुआत की है कि संविधान की धारा 44 में भी इसका उल्लेख है कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया है कि राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर जो संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने पहले कैबिनेट की बैठक में, पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उस बैठक में हमने पूरा उसका नोट बनाकर उसको एक सर्वसम्मति से आगे बढ़ा दिया है। जल्दी ही हम उसमें कमेटी बनाने वाले हैं
उसमें हम विधि विशेषज्ञों को लेने वाले हैं, स्टेक होल्डर्स को लेने वाले हैं और सबकी सहमति से उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून बनाने वाले हैं। सबका एक समान कानून होगा और हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि जैसे उत्तराखंड आगे बढ़ा है उसी तरीके से हिंदुस्तान का हर राज्य आगे बढ़े और हर राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने अपने यहां लागू करे। भाइयों बहनों, इसके अलावा हमने अन्य संकल्प, हमने गरीब परिवारों के लिए हमने संकल्प लिया है कि हम वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर 3 सिलेंडर, 3 गैस के सिलेंडर उनको मुफ्त में देंगे। उसके लिए भी हमने बजट में अपना प्रावधान कर दिया है और हमारी ये योजना जल्दी ही जो है लोगों के लिए सेवा के काम आना शुरू हो जाएगी। हमारे सफाई कर्मचारी भाई यहाँ पर भगवत प्रकाश मुखवाना नहीं दिख रहे हैं आज, कहाँ चले, ये आए थे मेरे पास चुनाव से पहले। हमने कहा था कि जो है हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं, हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, उन सभी का मानदेय एक दिन का, चाहे जिसका 250 होगा, 250 होगा, 300 होगा, सबका मिलाकर हम 500 रुपया करेंगे, हमने उसका शासनादेश निर्गत कर दिया है। इसी प्रकार से घर में वृद्धावस्था पेंशन आती थी और पेंशन केवल एक को आती थी, अगर 2 बुजुर्ग हैं तो एक को पेंशन आती थी और एक को नहीं आती थी तो क्या होता था, आपस में लड़ाई हो जाती थी, लड़ते थे कि पेंशन का क्या होगा। हमने कहा कि नहीं, अब हमारी सरकार, आपकी सरकार ये लड़ाई नहीं होने देगी और हमने अब पेंशन दोनों के लिए कर दी है और पेंशन बढ़ा भी दी है। ऐसे अनेकों कार्य जो हमने करने हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों जब चारधाम यात्रा नहीं चल पाई, यात्रा का सीजन नहीं चल पाया, तो हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज सभी पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले छोटे व्यापारी थे, टैक्सी के ड्राइवर थे, संचालक थे, छोटे होटल वाले थे, उन सभी के लिए 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, उनके बैंक खातों में सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने का काम किया था। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, उनके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। विभिन्न समूहों में काम करने वाले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन सबके लिए भी हमने, हमारी बहनें जो बहुत अपने यहां छोटे छोटे सामान, छोटे छोटे उत्पाद बनाने का काम करती हैं, कोरोना महामारी में उनका काम नहीं चल पाया, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। महिला मंगल दल हो, युवक मंगल दल हो, उन सभी को हमने प्रोत्साहन के रूप में, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, राजस्व विभाग के हों, ग्राम विकास के अधिकारी कर्मचारी हो, सभी लोगों को हमने कोरोना महामारी में, जबकि सरकार के पास भी बहुत सीमित संसाधन हो गए थे, राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोशिश की है कि सरकार केवल सरकार नहीं, ये सरकार आपके साझेदार के रूप में काम करेगी। और मैं आज स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी स्कीमें हमने चलाई हुई हैं, आंगनबाड़ी बहनों का हमने मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया, उपनल कर्मचारियों का हमने मानदेय बढ़ाया है, उत्तराखंड के आंदोलनकारी हमारी सुशीला बलूनी जी, रविंदर जुगरान जी, ये भी बार बार आते रहते हैं, अभी बहुत सारे काम हमारे छूटे हुए तो हमने उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो पेंशन थी उस पेंशन को भी हमने बढ़ाया है, उनके लिए जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी हमने किया, हमने कैबिनेट से 10% आरक्षण का भी महामहिम राज्यपाल को भेजा हुआ है। ऐसे अनेकों कार्य हैं, ग्राम प्रधानगढ़ थे उन सबका भी मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम करने हैं, उत्तराखंड के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति पर, अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी, हमारा शासन पहुंचेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर आज अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, उन सभी कार्यों को धरातल पर लाने का काम हमारी सरकार करेगी। उत्तराखंड की सरकार आप सबकी सरकार बनके लोगों के घर घर तक जाने का काम करेगी, सेवा का काम करेगी। और सेवा, चूंकि आज स्थापना दिवस है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी, हम सब लोग सत्ता में इसलिए आते हैं कि सत्ता
केवल हमारे लिए सेवा का माध्यम होती है और उसको संकल्प मानकर हम आगे बढ़ेंगे। पिछले 6-7 महीने का कालखंड मुझे भी मिला था, बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित थी, उन सभी को आप सबके आशीर्वाद से, आपने देखा था जब चुनाव शुरू हुआ था किस प्रकार की स्थिति होती थी। आप सब लोगों से भी लोग कहते होंगे सरकार नहीं आने वाली है, सरकार नहीं आने वाली है, आपकी 20 सीटें आएंगी, 24 सीटें आएंगी, इसी प्रकार से कहते थे ना, कहते थे कि नहीं कहते थे। लेकिन आप सबके, आप सबकी ताकत ने, आप सबके उत्साह ने, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जिस लगन से काम किया, जिस परिश्रम से काम किया, उसका परिणाम है कि आज 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। भाइयों बहनों, मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर गया हूं, चुनाव और चुनाव के बाद में पूरे उत्तराखंड के एक एक कोने में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। चुनाव अभियान में भी और चुनाव से पहले भी मैंने कोशिश की थी कि मैं उत्तराखंड के सीमांत से सीमांत क्षेत्रों में जाऊं, चाहे आपदा का समय हो या अन्य कालखंड हो, उसमें भी हमने लोगों के बीच में जाकर वहां की मूलभूत समस्याओं को जानने का, समझने का और उसके समाधान का प्रयास किया है। आपकी सरकार समाधान का मंत्र, सरलीकरण का मंत्र और निस्तारीकरण के मंत्र के आधार पर काम करेगी। अभी मैंने 2 दिन पहले अधिकारियों से कहा है कि अब न मैं सोने वाला हूं न मैं आपको सोने दूंगा, इस प्रकार से हम काम करेंगे। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे बढ़ा है, संगठन का विस्तार हुआ है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस विस्तार को और विस्तार दें और विकास को और विकास देने का काम करें, उसमें हम सबकी सहभागिता हो। इतना ही कहते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।